नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। बढ़ने लगी ठंड, धूप खिले के बावजूद तापमान में गिरावट, 2 नवंबर तक ड्राई रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला बदला है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों या ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण जहां न्यूनतम तापमान में कमी आई है, तो वहीं ठंड में भी इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 2 नवंबर तक मौसम ड्राई रहेगा, यानी मौसम शुष्क रहेगा। हिमाचल में आज साफ रहेगा मौसम, वहीं आज प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहेगा और धूप खिलेगी। प्रदेश में धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। हालांकि शिमला में अधिकतम तापमान में करीब 1 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। दशहरा में देवताओं के शिविरों में लगी आग, 2 झुलसे दमकल कर्मी मौके पर मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में ढालपुर के दशहरा मैदान में देवी देवताओं वीकेएसआई शिविरों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की घटना में कई देवताओं के टेंट जल गए, इसके कई दुकानें भी आग की भेंट चढ़ गई है। शुक्रवार देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच भड़की आग से पूरे ढालपुर में अफरा तफरी का माहौल रहा। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। सूचना के बाद मौके पर अग्निशमन विभाग पहुंचा और आग पर काबू पाया गया, मगर देवलियों ने देवताओं को बाहर सुरक्षित निकाल दिया था। आग की इस घटना में एक गाड़ी के भी जलने की सूचना है। आग की घटना में 13 देवताओं के टेंट और 5 दुकानें जल गई है, 2 लोग भी झुलस गए हैं। आग में देवी देवताओं के वाद्य यंत्र जलकर राख हो गए हैं। FSSA में बड़ा संशोधन, 2 धाराओं में कैद की खत्म, अधिकतम जुर्माना राशि बढ़ाई। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 यानी FSSA में बड़ा संशोधन हुआ है। एक्ट की 3 धाराओं को संशोधित करते हुए कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। 2 धाराओं में संशोधन करते हुए कैद की सजा को समाप्त कर दिया गया है, जबकि जुर्माना बढ़ाया गया है, जबकि 1 धारा में कैद की सजा को आधा किया गया है। इस संशोधन के बाद एक्ट की 3 धाराएं काफी हद तक लचीली बनाई गई है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि यदि सूचना कब से लागू होगी। FSSA 2006 की धारा 59(1) के तहत असुरक्षित खाने की बिक्री करने और आरोप से होने पर 6 महीने कैद और 1,00,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान था। तब इसमें संशोधन करते हुए 3 माह कैद और 3,00,000 रुपए तक जुर्माना कर दिया गया है। अपनी कमाई ही नहीं, फोलेन में घर जमीन उजड़ने का मुआवजा भी क्रिप्टो करेंसी में लूटा। फोलेन निर्माण के दौरान लोगों ने जमीन के मुआवजे की राशि भी क्रिप्टो करेंसी में लगा दी। 11 महीने में पैसा डबल होने के झांसे में आकर लोगों ने इस पैसे का निवेश किया। SIT के मुताबिक यह राशि 10 करोड़ के आसपास बन रही है। पुलिस SIT की ओर से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वही कहीं लोग ने SIT को इसकी शिकायत भी की है। किरतपुर, मनाली, पठानकोट, मंडी, शिमला मटौर और कालका शिमला फोरलेन के निर्माण की जद में कई लोगों की जमीन आई है। इसकी एवज में लोगों को NHAI ने लाखों से लेकर करोड़ों से मुआवजा दिया है। ऐसे में शातिरों से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर मुआवजा मिलने वाले इन लोगों को भी अपना निशाना बनाया है।